मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है। सागर जिले के सुर्खी विधानसभा में भी मतदान होना है। सुर्खी विधानसभा से 15 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस से पारुल साहू केसरी अपनी किस्मत आजमा रही है, तो भारत से गोविंद सिंह राजपूत की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। लोगों का कहना है सुर्खी विधानसभा में कांटे की टक्कर का मुकाबला देखने को मिलेगा। सुर्खी विधानसभा सन 2013 में पारुल साहू केसरी ने गोविंद राजपूत को 141 मतों से हराया था। देखते हैं सन 2020 में कौन जीतेगा चौपाल और कौन पहुंचेगा भोपाल। आज हमारे संवाददाता सलमान कुरैशी ने क्षेत्र के मतदाताओं से बात की। देखिए सागर जिले की सुर्खी से कैमरामैन ताज कुरैशी के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। आज भी काम की नहीं है। क्या नाम है आप? हमारा शाहीन चक्की वाली है। कैसा चल रहा है चक्की का? देखो डाउन चल रहा है, जब से मोदी ने बर्बाद सभी को किया है जी ने। बिल मिल कैसे आ रहा है? बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या काम करते हैं? दुकान है छोटी, चलाते हैं। कितना दिन में आप कमा लेते हैं? 100-200 रुपये। सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव आ गए हैं, किसका क्या माहौल समझ में आ रहा है? या अभी तो कुछ नहीं कह सकते यार, अभी तो जब चुनाव हो जाएगा जब ही पता चलेगा किसका क्या। अच्छा, 2013 में पारुल साहू भी विधायक रहे, 2018 में मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत, उसके बाद मैं खुद देख रहा हूँ गंदगी पड़ी है, तो विकास के मामले में पीछे क्यों रहा आपका क्षेत्र? नहीं, हम भी आपसे यही कहना, क्यों रहा क्षेत्र आपका? आप तो खुद देख रहे हैं, तो क्यों पीछे रहा? आप खुद आते हैं ना इधर पे, घूमने भी आते हैं आप, मीडिया लेके भी आते हैं, तो विकास के मामले में ये क्षेत्र पीछे क्यों है जी? कोई है ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो जैसे डले हो डले रहे। कोई जनप्रतिनिधि आपसे समस्या नहीं है? सुबह की टाइम झाड़ू नहीं लगती, कोई समस्या तो झाड़ू नहीं लगती है, मैं खुद लगाना पड़ता है। ये देख रहा हूँ नालियाँ जी, अभी रोड खुदा था मुझे मस्जिद के सामने जी, नालियों में मुझे ढेर लगे हुए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार को कहागा, उस जिम्मेदार में वो तो पक्का कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा। सुर्खी विधानसभा में उपचुनाव आ गए, किसकी पोजीशन अच्छी समझ गया? पारुल साहू की लग रही है पोजीशन अच्छी। आप किसका समझते हैं? देखते हैं किसका अच्छा लगता है और उसका ही करेंगे, पारुल साहू को। तो आपने दोनों के विकास कार्य देखे हैं, अभी राज्य परिवहन मंत्री भी आपके क्षेत्र के मंत्री रहे, 2013 में पारुल साहू भी आपके क्षेत्र के विधायक रहे, तो इन दोनों में से आपके विकास कार्य करने में ज़्यादा आपको अच्छा कौन लगा? पारुल साहू अच्छी रही। सुर्खी से तो एक आवाज़ आ रही है कि 5 साल वो विधायक रही और गायब रही, विकास नहीं की। ये लोगों का कहना है, अपन को पारुल साहू अच्छी लग रही है। 5 साल वो विधायक रही, उन्होंने विकास किए थे? ये तो है, लेकिन दिखते नहीं है जो किए हैं। किए हैं लेकिन विकास किए किए हैं विकास। क्या काम करते? धंधा पानी करते, मजदूरी करते। सुर्खी में उपचुनाव आ गए, किसका क्या माहौल? माहौल तो अभी पारुल साहू का चल गया है, जनता का मन भी बना है और पारुल साहू का 90% अंदाज है कि जीत जीतेगी। अभी क्षेत्र से गोविंद सिंह राजपूत ने थोड़ा बुरा किया है। क्या बुरा किया? ये बुरा किया है कि जनता को बेच के और आपने पार्टी लेवल बदल दी, इसलिए जनता का मन खराब है। वो तो ये कह रहे हैं कि विकास के लिए विकास के लिए नहीं, जनता को बेचा है तो जनता उनको सबक सिखाएगी। आपसे अच्छा सवाल बाबू साहू का इस वक्त पे काम अच्छे चल रहा है और वे अपना विकास कराएंगी और काम होगा। तो 5 साल विधायक रहे, कुर्सी से एक आवाज आ रही है कि वो 5 साल गायब रहे, फिर उन्होंने क्या विकास किया? अब उनका सत्ता नहीं था इसलिए वे नहीं करा पाए। तो 5 साल गायब ही रही, जनता के बीच नहीं आई। अब कराएंगी काम, होगा काम, ऐसा नहीं है, जनता के बीच में आएंगी वो काम भी होगा। क्या विश्वास है आप? हाँ, हमें विश्वास है पूरा और जीतेंगी, और मतलब तमाम लोगों का मन लगा है गोविंद सिंह इस वक्त पे फाइट पूरा। गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि हम जन सेवक हैं। नहीं, वो गलत है, जन सेवक हैं तो उन्होंने मतलब जनता का मत बेचा, इसलिए कि जनता का मन खराब है। 25 साल पुराना सुर्खी से उनका रिश्ता है, उनका कहना है अच्छा रिश्ता था, लेकिन उन्होंने इस साल में अपना बिगाड़ बिगाड़ पार्टी बदलने से मतलब उनका
पार्टी बदलने से ही खराब हो गया जनता का। आपका क्या नाम है? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।